व्हाइट डे गेम के ट्रू फैंस ये जानते हैं कि गेम में यूजीमिन नाम की मिस्टीरियस कैरेक्टर छुपी है, जो कि कुछ कंडीशंस को फॉलो करने पर ही हमें दिखाई देती है। वेल हाय देयर, दिस इज द मार्क एल, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं व्हाइट डे की सीक्रेट स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ व्हाइट डे के सेकेंड प्लेयेबल प्रोटैगनिस्ट यूजीमिन की कहानी को जानेंगे और साथ ही साथ मैं इसमें हीमिन के इवेंट्स को भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा, जिससे आपको स्टोरी समझने में आसानी रहे। इस वीडियो में मैं स्टोरी की डेप्थ में जाने वाला हूँ, इसलिए मैंने जीमिन के कैरेक्टर को अनलॉक कैसे करना है ये नहीं बताया है। ये आप सिंपल गूगल सर्च करके पता कर सकते हैं। और जिनके माइंड में डाउट्स हैं उन्हें मैं बता दूँ कि ये सीक्रेट कैरेक्टर मोबाइल वर्जन में नहीं है, सिर्फ पीसी या कंसोल प्लेयर ही इसे प्ले कर सकते हैं। वेल, दिस इज द सीक्रेट स्टोरी ऑफ व्हाइट डे एक्सप्लेन्ड। व्हाइट डे। ली हीमिन योंडू हाई स्कूल का न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है और पहले ही दिन स्कूल में उसे एक ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड हान सोयंग पसंद आ जाती है। सोयंग अपनी डायरी वहीं बेंच पर भूल जाती है और क्योंकि अगले दिन स्कूल में व्हाइट डे होने वाला है, जब लड़का लड़की को चॉकलेट देकर प्रपोज करता है, हीमिन उसे डायरी वापस करते वक्त चॉकलेट गिफ्ट करेगा ये सोचता है और इसके लिए वो रात को योंडू हाई स्कूल में पहुँचता है, जहाँ वो सोयंग की डायरी और चॉकलेट को उसके डेस्क पर रखेगा, जिससे अगले दिन 14 मार्च यानी व्हाइट डे के दिन वो सोयंग को सरप्राइज कर सके। लेकिन बैड लक की वजह से स्कूल में एंटर करने के तुरंत बाद उसका इंटरेक्शन किम संगा और सोल जी ह्योन से होता है और हीमिन संगा की हेल्प करने लग जाता है, जहां उसे स्कूल में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। सारे डिस्ट्रैक्शन से डील करने के बाद हीमिन मेन बिल्डिंग 1 के सेकेंड फ्लोर पर होम रूम 28 यानी हान सोयंग के क्लासरूम तक पहुंचता है। तब उसकी मुलाकात गेम की सीक्रेट कैरेक्टर यू जी मिन से होती है। ओह गॉश, ओह, व्हाट वाज दैट ऑल ऑफ अ सडन? यू स्केयर्ड द हेक आउट ऑफ मी। यू जी मिन योंडू हाई स्कूल की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और अपने घर से दूर स्कूल डॉर्मिटरी में रह रही है। गेम में यू जीमिन के कैरेक्टर के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं की है, लेकिन जीमिन के मोबाइल के मैसेजेस को देखकर हमें इसकी बैक स्टोरी का थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। ये मैसेजेस जीमिन के मॉम के हैं, जहां वो बार बार जीमिन से मिलने आने का प्रॉमिस कर रही है, लेकिन किसी ना किसी रीजंस की वजह से उन्हें मिलने आना कैंसिल करना पड़ रहा है। दैट्स वाई वो काफ़ी लोनली फील करती थी और इसीलिए वो अपने आसपास के लोगों पर ताक झांक करती रहती थी और उन्हें ऑब्जर्व करके उनके जैसे डूडल्स बनाती थी। हान सोयंग रात को स्कूल में एंटर करने वाली है, इस बारे में जीमिन को पहले से पता था और इस बारे में क्यूरियस होकर जीमिन भी उसके पीछे पीछे स्कूल में चली आई। लेकिन मेरी थ्योरी ये कहती है कि जीमिन सोयंग को लाइक करती है, क्योंकि सोयंग के आसपास के लोगों की वजह से जीमिन को हो रही जेलसी को हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। Did you come to this school just to follow around so young? वो जब देखो तब सोयंग की ही बात करती रहती है। So young, so young, so young, so young. एक डूडल में हम दो कैंडीज को देख सकते हैं, जो कि हार्ट का शेप बना रही है, जिसके नीचे SYJM लिखा है, जहां SY का मतलब है सोयंग और JM का मतलब है जीमिन। यू जीमिन सोयंग के लिए कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसे बिना बताए उसकी हेल्प करना चाहती है। If you meet so young, please don't tell her about me or what happened. Then she'll think of me as a troublemaker. Basically, Jimin Soyoung ke liye uski badi behan Nayoung ki soul ko school se free karna chahti hai by lifting the curse from the school. Lee Himin aur Yoo Jimin ke introduction ke baad, Himin ke main hallway tak jaane ke baad, Jimin wahan se chali jati hai. Iske baad Himin ka interaction Han Nayoung ki spirit se hota hai. फिर हमें जी ह्योन दिखती है, जिसका पीछा करते हुए हम हान सोयंग के पास पहुंच जाते हैं और सोयंग को ट्री गोस्ट से बचाने के बाद स्टेयरकेस से गुजरते हुए एक बार फिर हम यू जीमिन से मिलते हैं। तभी स्कूल का जेनिटर वहां आ जाता है और उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। जब जेनिटर हीमिन के पीछे होता है, तब जीमिन नायांग की डेथ लोकेशन को एग्जामिन करती है,
जहां उसने स्कूल टाइम पर सोयंग को कुछ ढूंढते हुए देखा था। और इसी जगह पर किम जी वॉन ने भी खुद को मारा था। जिमिन को वहां ब्लड के हल्के से निशान दिखाई देते हैं, इसलिए वो ल्यूमिनल टेस्ट सॉल्यूशन लेने के लिए मेन बिल्डिंग 2 में बायोलॉजी लैब जाती है। ये केमिकल ब्लड के निशान को रिवील करने का काम करता है। यहाँ हेमिन भी सोयंग के कहने पर मेन बिल्डिंग 2 में पहुंच गया है और वो प्रिंसिपल ऑफिस से सीसीटीवी मॉनिटर में जिमिन को देखता है, जो बायोलॉजी सप्लाई रूम में जाती है और वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। हेमिन जल्दी से वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत बड़ी आग लगी है। अब वो आग को बुझाने के लिए जल्दी से नाइट ड्यूटी रूम जाता है। वहाँ से टॉवल कलेक्ट करता है और साइंस लैब में उस टॉवल को भिगाकर जल्दी से बायोलॉजी लैब की आग को बुझा देता है और जिमिन को बचा लेता है। इसी के साथ स्कूल में दोनों का तीसरी बार इंटरेक्शन हो रहा है और अभी तक दोनों को एक दूसरे का नाम भी नहीं पता है। यहाँ हेमिन सीनियर स्टूडेंट है, इसलिए जिमिन उसे अपर क्लासमैन कहकर बुलाती है। Hey, can I call you upper classman? अब जिमिन हेमिन को न्यू बिल्डिंग में मिलेगी ये कहकर मेन बिल्डिंग 1 में जाती है और वहाँ ल्यूमिनल का इस्तेमाल करते उसे किम जी वॉन की बुक के बारे में पता चलता है। जिमिन उस बुक को ढूंढ निकालती है जिसके अंदर से उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि म्यूजिक टीचर किम जी वॉन ने आर्ट टीचर की हेल्प लेकर किसी वैल्यूएबल चीज़ को छुपा रखा है जो किसी टाइगर के द्वारा गार्डेड है। जिमिन जल्द ही उस टाइगर के मीनिंग को फिगर आउट कर लेती है। यहाँ वो 4 बुक को ढूंढती है जिसके स्पाइन पर टाइगर की ड्राइंग बनी है और साथ ही उन पर एक नंबर भी लिखा है। इन 4 बुक्स को मिलाकर टाइगर की ड्राइंग कम्प्लीट होती है और उनसे जो नंबर बनता है उससे आर्ट टीचर के सेफ को अनलॉक किया जा सकता है। जिमिन उस सेफ में से एक वास को निकालती है जो कि इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि उसका इस्तेमाल संगा के रिवाइवल रिचुअल में किया गया था, जहां किम जी वॉन ने संगा की एशेस को इसमें रखा था। जिमिन वास के अंदर देखती है तो वहां उसे किम जी वॉन की डायरी का एक मिसिंग पेज मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि किम जी वॉन ने संगा के एस्थमा इनहेलर को उसके एशेस के साथ इसमें रखा था जिससे रिचुअल ख़त्म होने तक उसकी सोल वहां से बाहर ना जा सके। लेकिन जिमिन अंदर देखती है तो उसमें कोई इनहेलर नहीं होता। इसके बाद जब जिमिन वहाँ से जाने लगती है तब उसे संगा की मॉम चोई उनमी दिखाई देती है जो कि पागल हो गई है और स्कूल में अपनी बेटी को ढूंढते हुए भटकती रहती है। जिमिन देखती है कि वो इनहेलर उसी के पास है, यानी आर्ट टीचर के सेफ को लॉक करने से पहले उनमी ने उसे वहाँ से निकाल लिया था और इसी की वजह से संगा की सोल स्कूल में खुलेआम घूम सकती है। अब जिमिन चुपके से उनमी का पीछा करती है जिससे वो किसी तरह से उसे इनहेलर ले पाए, लेकिन न्यू बिल्डिंग तक आते आते वो उनमी को खो देती है जो कि अब ली हिमिन के पास आ पहुंची है। यहाँ स्कूल जेनिटर को देखकर उनमी का दिमाग और ज़्यादा ख़राब होता है और वो मिसअंडरस्टूड होकर हिमिन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ जिमिन उनमी को ढूंढते हुए न्यू बिल्डिंग के रूफटॉप से मेन बिल्डिंग के हॉलवे में एग्जैक्टली उसी वक्त एंटर करती है जब अलार्म से इरिटेट होकर उनमी नीचे गिरती है। जब हेमिन ऑडिटोरियम जा रहा होता है तब हम संगा को अपनी माँ की डेड बॉडी के पास रोते हुए देख सकते हैं। इसके बाद संगा के जाने के बाद डार्क एनर्जी उनमी की सोल को लेने आती है। तब जिमिन जल्दी से वहां पहुंचकर इनहेलर कलेक्ट कर लेती है। जब संगा को इसका पता चलता है तो वो तुरंत दोनों को अपनी लैबिरिंथ की दुनिया में ले जाती है और अपनी मास्टर ऑफ लैबिरिंथ की फॉर्म में बदल जाती है।
अब यहाँ से एस्केप करने के लिए जिमिन को 5 पिक्चर्स जो उन 5 एमुलेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें उनके फॉलोइंग ऑर्डर में कलेक्ट करना होगा, मेटल, वुड, अर्थ, वाटर, फायर। सारे पिक्चर्स को कलेक्ट करते ही जिमिन वापस से स्कूल में आ जाती है। यहाँ वो उनमी की जायंट फॉर्म को देखती है जो कि मास्टर ऑफ लेबरिंथ के कंट्रोल में रहकर सारी डार्क एनर्जी को जिमिन पर अटैक करने के लिए कहती है। अब किम जी वॉन की डायरी के मुताबिक उसने म्यूजिक रूम को एज अ रिचुअल प्लेस चूज किया था, इसलिए जिमिन डार्क एनर्जी से बचते हुए म्यूजिक रूम में जाती है जहां वो उन 5 एमुलेट्स को जो पिक्चर्स के फॉर्म में उसके पास थे उन्हें प्लेस करके रिचुअल प्ले करती है। यहाँ किम जी वॉन की स्पिरिट सही वक्त पर आकर उसकी हेल्प करती है। मास्टर ऑफ लेबरिंथ अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फाइनली जिमिन वास को तोड़कर लेबरिंथ कर्स को ख़त्म करती है। एंड में सारी सोल्स स्कूल से फ्री हो जाती है और संगा फाइनली अपने मदर से रीयूनाइट होती है। सो दैट्स इट, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से कर दीजिए इसे लाइक और शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने मेरी वाइट डे की कोई वीडियो मिस कर दी है तो लेफ्ट में रही प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरी दूसरी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट कीजिए जहाँ मैंने काफ़ी सारी गेम्स की कंप्लीट समरी कर रखी है। वेल, दिस इज द मार्क एल साइनिंग ऑफ।